हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज से मैंने ना जिम ज्वाइन की है, तो मैं अभी जस्ट जिम से निकली और जूस ग्रहण कर रही हूँ। और सो गाइस, आज दूसरा दिन है और मैं आज संडे है तो मॉम के घर जा रही हूँ और वहाँ पे थोड़ा रेस्टोरेंट का फ़ोटोशूट भी है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत रील्स वील्स बनाएंगे। और जैसे मतलब कर जैसी ही रेस्टोरेंट है तो ठीक है। आप भी अगर गुजरात के आसपास से हो, पालेस से हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। पिज्ज़ा रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा की नहीं कैफ़े है, पिज्ज़ा कैफ़े है, तो वहाँ पे जाना है। तो चलो हम जाते हैं वहाँ पे और मिलते हैं आपको वहाँ पर, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं अकेली ही हूँ, आप देख सकते हो कार में। और अभी हाईवे पर पड़ चुकी हूँ मैं। और यह है रास्ता हमारे गांव, मतलब गांव अभी बहुत मतलब बाकी है, ये तो सिटी से अभी मैं निकल रही हूँ तो काफ़ी दूर है। यार कोई सुन रहा है पालेस से तो सुनो, यहाँ पे ना ये जो फाटक है ना, ये जो बाजार से निकलते हुए है, ओवर ब्रिज बना दो ताकि है ना हम लोगों को इतना इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। देखो कितनी ज्यादा भीड़ होती है, निकलते बंद ना हो जाए तो अच्छा है। फिर से करना बहुत ही मुश्किल होता है, यस, क्योंकि एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है कभी कभी। तो ये वाली जो फाटक है ना, यहाँ पे ओवर ब्रिज बना रहे हो, ऊपर से निकलने वाले साधन, अगर मतलब फाटक बन भी है तो ऊपर से साधन निकल सके, ऐसी वाली है। क्योंकि देखो कितना गंदा रास्ता है भाई साहब, देखा आपने, बिल्कुल भी यार देखो भीड़ कितनी होती है यहाँ, अच्छी बात नहीं है। ये इतना आगे बढ़ चुका है हमारा पालेस शिखर, और यार यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फटाफट से निकलो यार, गाड़ी आ जाएगी तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। देखो कितना डिफिकल्ट है, अगर गाड़ी आए मतलब जब साधन निकल रहे और गाड़ी आ जाए तो हम तो गए यार, क्योंकि कितने सारे साधन इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ रोड पे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर सरपंच कोई भी सुन रहा है तो प्लीज़। आज प्रॉब्लम एक तो ये सांकड़ी गली में, उससे सांकड़ी गली में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा काम है। पिज्जा कैफे बोले तो संडे भाई एक नंबर मां भाई, एक नंबर अफगानी पिज्जा, एक नंबर फुल गला के मां भाई, एक नंबर कोई जाम बाजी नहीं होय के भाई अफगानी पिज्जा पर नहीं होय। आज हमारा स्पेशल मेहमान सुरैया मॉडल बॉय ना, एक नंबर सुरैया जी, केउ छ हमरो खावानो, एक नंबर पेट भराई पण मन ना भराई, अफगानी पिज्जा एक नंबर, एक नंबर जजाकल्ला, एक नंबर बोले तो एक नंबर अफगानी पिज्जा कैफे भाई, एक नंबर ना बहुत तो पैसा बात। सो अभी गाइस हम खाने आए हैं फेमस पिज़्ज़ा कैफ़े पे, एक नंबर पिज़्ज़ा कैफ़े अफगानी पिज़्ज़ा। और गाइज मुझे यहाँ पे बीच में हिचकी आने लगी थी, और ये है मेरा ब्रदर जो साथ में बैठा है। और आप पीछे देख सकते हो कितने ज़्यादा मतलब कस्टमर खाने के लिए मतलब बैठे हुए हैं। खाना एक नंबर था, नॉट डाउट। और आप पे कभी भी विजिट करो पालेस तो यहाँ पे ज़रूर आना, यहाँ पे रात के 7 से 12 बजे तक रात के ये अफगानी पिज़्ज़ा कैफ़े खुला रहता है, आप देख सकते हो इसका बोर्ड, ठीक है। सो गाइज हमारा पेट भर चुका है और हम अभी जा रहे हैं घर वापस, और हम आपको मिलते हैं सुबह में। सो गाइज आज दूसरा दिन है तो पाले जाए हैं, तो लगे हाथ अभी एक सूज की जो मतलब थोड़ी बहुत थोड़ी छोटी सी एक शॉप है, वहाँ पे भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आओ तो ज़रूर आना, तो हम वहीं जा रहे हैं और आपको मिलते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल हम आए थे थोड़ा बेड वगैरह देखने के लिए, मॉम को बेड लेना था तो वही देखने के लिए आए थे, और उनको पसंद नहीं आया तो अभी वो अपने खुद से ही लेंगे जैसा चाहिए वैसा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मैं वलर के रास्ते पे जो अलंग वेयर हाउस है वहाँ पे आई थी बेड देखने के लिए, अभी ठीक है उनको पसंद नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे पालेस जहाँ पे सूज की शॉप है, आपको मिलेगा हमारा सूज की वैरायटी अलग अलग वाली, और ये है पालेस और वलर के बीच का रास्ता आई थिंक सो। तो आप देख सकते हो आई थिंक सब मिक्स मसाला डाल दो। गाइस कार चलाते समय भी मेरी हिचकी जो है ना रुक ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, बट क्या करूँ चलता है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहो ठीक है।
ज्यादा आ रही है मुझे, बन होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप फिलहाल तो आप देख ही सकते हो, मैं जब अपने गांव से अपने विलेज से बाहर निकली तब से मुझे हिचकी आ रही थी, और आप देख सकते हो। सो गाइज, अभी पैलेस के बाजार में खड़े हैं हम और फालूदा पी रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बात ही मत पूछो। और अभी जो बाजार है ना वो चेंज हो गया है, मतलब कि जो बीच रास्ते में था ना वहाँ से सब ठेले वेले हटा के ये एक दूसरी जगह पे सब लगा दिया है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उससे जो है ना रास्ते थोड़े चौड़े हो जाते हैं और गाड़ी चलने में भी आसानी रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं जेपी फुटवेयर पे, और ये जेपी फुटवेयर जो है हम आते हैं लेते हैं, और मनाते हैं कि एक छोटी सी फुटवेयर की शॉप है और बाज़ार के बीचों बीच में है, जैसे कि मेन बाज़ार जो है कॉलेज का वहाँ पे ही है, और सारी शॉप्स वगैरह है वो यहीं पे हैं, बस ठेले वगैरह हटवा दिया है और वो मैंने आपको अभी दिखाया है वहाँ पे लगवा दिया है। तो ये जो शॉप है जेपी फुटवेयर, बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे शूज़ मिलते हैं, और मैंने जब भी यहाँ आती हूँ तो यहीं से ही शूज़ बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के जो शूज़ है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहने और दूसरे दिन टूट गए, ऐसे वाले नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे शूज़, सो गाइज आई मतलब मैं अभी यहाँ पे ना हील्स ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी में हील्स भी मिल जाती है आपको, जैसे कि साड़ी में पहनने के लिए चाहिए, या फिर साइडर के लिए चाहिए, या फिर आपको एवरीडे पर्पज़ पे चाहिए, बट एवरीडे पर्पज़ पे आप अगर फ्लैट लेना चाहते हो वो भी मिल जाते हैं, हील्स भी मिल जाती है, फिर जो भी आपको चाहिए मिल जाता है। बट यहाँ पे हील्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं आपको पहन के भी दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हील्स भी मिल जाती है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो स्पोर्ट्स शूज़ है वो भी मिल जाते हैं कैंपस के, और गाइस हील्स की तो बात ही मत पूछो, आप देख सकते हो कितनी सुंदर हील्स है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये वाइट वाली हील्स। और अभी मैं आपको दूसरी हील्स भी पहन के दिखा सकती हूँ, ये कितनी कंफर्टेबल है वो भी आप देख लो, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ हील्स वगैरह पहना है, आई फील वेरी कम्फर्टेबल विथ दिस हील। सो गाइज, बाय करना चाहते हो तो आप जेपी फुटवेयर में ज़रूर आना, जेपी फुटवेयर जो है गुजरात में आया हुआ है, पैलेस में है, अगर पैलेस के आसपास के गांव से हो तो ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छी हील्स प्लस के बहुत ही अच्छे शूज़ वगैरह मिल जाता है, तो गाइज आप ज़रूर विजिट करना, ठीक है। और दिवाली के पर्पज़ से भी आप बाय कर सकते हो, अभी दिवाली भी आ रही है, जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो, और अभी विंटर भी है आगे, तो साड़ी वगैरह के फंक्शन भी चालू होंगे, तो यहाँ पे फुटवेयर पे ज़रूर विजिट करना, और आपको एक से एक कंफर्टेबल फुटवेयर मिल जाएगा यहाँ पे, बॉयज़ के, गर्ल्स की, वुमन्स के लिए, हर एक के लिए आपको यहाँ पे फुटवेयर मिल जाएगा। और आपको मैंने पहन के दिखाया बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हील्स तक कंफर्टेबल है, तो फिर आप दूसरे सिंपल शूज़ की तो बात ही मत पूछो, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है तो मैं आपको दूसरे भी फुटवेयर दिखा सकती हूँ, तो देखिए आप यहाँ से सैंडल्स और यहाँ पे नॉर्मल स्लीपर्स एंड फ्लैट्स एंड क्रॉक, एवरीथिंग इज़ हियर, सो गाइज यू कैन बाय। सो गाइज, मैंने ब्लैक वाली हील्स भी ट्राई की, मुझे तो ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मेरे पैरों पे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई फील कि दूसरी बार मैं आऊँ तो सारी हील्स बाय करके ले जाऊँ, बट अभी फ़िलहाल तो मैं अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हील्स है, तो मैं थोड़े बहुत फ्लैट्स खरीदूँगी यहाँ से और फिर मैं जाऊँगी अपने घर वापस। यस,
और हाँ गाइज, यहाँ के जो शॉप कीपर है ना वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे अपने, उनके पास एक वर्कर है फिर भी, उनके हाथों से खुद मुझे उनके जो फुटवेयर है वो दिखाए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज़ आप भी ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि पैलेस के आसपास हो और आपको कंफर्टेबल शूज़ चाहिए, फ्लैट्स चाहिए, हील्स चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, कैंपस के चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर करना। बहुत 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 अच्छी क्वालिटी के और लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाले शूज़, स्लीपर्स, फ्लैट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ए टू जेड मिल जाएगा। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे को वाइट वाले जो ये फ्लैट्स हैं बहुत अच्छे लगे। मैं सोचती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए यही ख़रीदूँ, बाकी सब ठीक है। देखे मैंने ये सब भी, मैं पहले यहाँ पर आई थी, मैंने सैंडल बाय किए थे, अभी दूसरी बार मैं ये फ्लैट्स यहाँ से ख़रीद रही हूँ। और वो सैंडल जो है मेरे, मतलब आप समझ रहे हो, मानसून में भी, पूरा मानसून चले अभी तक मेरे पास वैसे के वैसे है, ज़रा सा भी उसमें खरोच तक नहीं आया। इसी वजह से मैं दूसरी बार यही JP फुटवेयर पर आई हूँ, यही विश्वास को लेकर। अभी आप देख सकते हो ये वाले जो वाइट फ्लैट्स है वो भी मैं अभी खरीदूंगी, तो देखते रहिए आप। गाइस, हमारा शूज़ वूज ख़रीद लिया है, अभी घर वापस जा रहा है। तो गाइस, ये है यहाँ के इस शॉप के ओनर, और मैं अपने जो फ्लैट्स है वो ख़रीद ली हूँ, अभी जा रही हूँ घर वापस, और आपको मिलती हूँ घर पे जाकर या फिर बड़ोड़ा जाकर। ठीक है, मैं उनकी शॉप का मतलब बोर्ड भी दिखा देती हूँ लास्ट में, तो आप देख सकते हो। तो चलो गाइस, हम घर आ गए हैं वापस, आपको मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।